नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से निकली ओपन रैली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जहाँ पर मैं आपके लिए किस डिस्ट्रिक्ट के लिए किस स्टेट में भर्ती निकली है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट रैली JCO / OR, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये कल ही दोस्तों अपडेट किया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कर लेंगे ओपन, ठीक है। इसके लिए हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा जूम कर लिया। ये जो दोस्तों भर्ती है वो 18 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जाकर इस भर्ती में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 18 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में यहाँ पर भर्ती की जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर भर्ती किस किस पोस्ट के लिए है, सोल्जर जनरल ड्यूटी मतलब सोल्जर GD, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क / SKT एंड सोल्जर ट्रेड्समैन, 8वीं और 10वीं स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप 8वीं पास हैं तब भी आपके लिए सुनहरा मौका है आर्मी में भर्ती होने का, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये भर्ती कब से कब आपकी की जाएगी। तो ये जो भर्ती है इसके रजिस्ट्रेशन दोस्तों जो 18 जुलाई से 31 अगस्त तक हो चुके हैं, उसके बाद में दोस्तों मतलब कर चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 18 जुलाई से 31 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद में ये जो भर्ती होगी दोस्तों वो 17 सितंबर से 31 मार्च 2021 के बीच में होनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बताई गई है, तो एग्जैक्ट डेट लोकेशन एंड वेन्यू ऑफ रैली विल बी कन्फर्म्ड लेटर एज पर COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके कारण इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है, लेकिन 17 सितंबर से 31 मार्च 2021 के बीच में ये भर्ती होनी है। लेकिन दोस्तों इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 18 जुलाई मतलब कल से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अगस्त 2020 तक चलेंगे। तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, वरना आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभी हम चलते हैं दोस्तों कि किस किस ट्रेड की यहाँ पर भर्ती है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एज होगी आपकी 17.5 से 21 साल, 1 अक्टूबर 1991 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और चेस्ट होना चाहिए आपका 77 kg, ठीक है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास में 10th क्लास में 45% मार्क्स होना अनिवार्य है और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल, ठीक है। तो सोल्जर टेक्निकल में भर्ती होने के लिए आपके पास में ये एजुकेशन और QR होना अनिवार्य है। 17.5 से 23 साल तक आपकी उम्र होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाइट वेट और चेस्ट एज पर GD की तरह ही है, 170 हाइट, 50 kg वेट, 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में आपका चेस्ट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपकी होगी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। उसके लिए आपके पास में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश 4 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ओवरऑल परसेंटेज आपकी 50% से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सोल्जर क्लर्क और सोल्जर टेक्निकल स्टोर कीपर की। सोल्जर क्लर्क की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होगी वो 17.5 से 23 साल तक होनी चाहिए होगी।
अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। यहाँ पर हाइट के आपको दोस्तों क्लर्क में थोड़ी सी रियायत मिलती है कि हाइट यहाँ पर जो है आपकी वो 162 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सभी ट्रेड में 170 होती है, लेकिन ओनली क्लर्क और स्टोर कीपर में जो भर्ती होती है यहाँ पर दोस्तों 162 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में वेट और चेस्ट आपका सेम है, 50 kg वेट और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब सांस भरने के बाद में आपका सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, जो कि टोटल हो जाएगा 77 से 82। ठीक है, इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास में दोस्तों 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, चाहे आप आर्ट कॉमर्स साइंस किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% 50 मार्क्स और टोटल आपकी जो परसेंटेज है वो 60 मार्क्स मतलब 60% होना अनिवार्य है। तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज आपकी 60% और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन की 2 कैटेगरी में भर्ती निकलती है, 1 10th पास और 1 8th पास। तो जो 10th पास की होती है वो उनके लिए ट्रेड होती हैं दोस्तों स्टीवर्ड, चेफ्स, वॉशरमैन, हेयर ड्रेसर एंड सपोर्टर स्टाफ। इन ट्रेडों के लिए अगर आप भर्ती देखेंगे तो आपके पास में 10th पास होना जरूरी है। एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल होती है और 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अगर आप ये भर्ती देखना चाहते हैं तो। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट 48 सेंटीमीटर kg और आपकी जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। ठीक है, तो अगर आप 8th पास हैं और ट्रेड्समैन में भर्ती होना चाहते हैं आर्मी में तो आप भी तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेड्स होंगे हाउसकीपर और मैसकीपर। एज चेस्ट वगैरह जो भी है आपको बिल्कुल सेम टू सेम एज पर ऊपर की तरह जो मैंने बताया वही होगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन में रियायत मिलती है दोस्तों। यहाँ पर आपको अगर आप 8th पास हैं मतलब क्लास 8वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों ट्रेडिंग किस किस ट्रेड पर भर्ती निकली हुई थी। उसके बाद में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पर हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे फिजिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आर्मी में। तो यहाँ पर दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, जो कि आपको 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आप पूरी करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप पूरी करेंगे तो आपको मिलेंगे 48 मार्क्स। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर फॉर JCORT अप टू 30 ईयर्स मतलब अगर आप JCORT की भर्ती देख रहे हैं तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपके जो है रेस पूरी करनी होगी, और सेकंड ग्रुप होगा 6 मिनट 30 सेकंड तक, नीड टू क्वालिफाई ओनली। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पुलअप्स की बात करते हैं, तो आप अगर 10 पुलअप मारेंगे तो आपको मिलते हैं यहाँ पे 40 अंक, 9 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 33 अंक मिलेंगे, 8 पुलअप मारेंगे तो आपको 27 अंक मिलेंगे, 7 पुलअप मारेंगे तो आपको 21 अंक मिलेंगे, और 6 पुलअप्स मारेंगे तो आपको 16 पुशअप मिलेंगे मतलब अंक मिलेंगे। इसका मतलब कि आप अगर आप 6 पुशअप भी मारते हैं तो भी आपके लिए इस भर्ती में क्वालिफाई आप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों भर्ती। यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं, तो आप इस नोटिस को देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है पूरी जानकारी दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।